नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईआईटी धनबाद, जिसे आईआईटी आईएसएम भी कहते हैं, इनके द्वारा ऑफर किए जाने वाले पीजी प्रोग्राम के बारे में, जिसका नाम है एमए इन डिजिटल ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी और 2 साल का फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिजिटल ह्यूमैनिटीज के बारे में चर्चा किया था, जो आईआईटी जोधपुर ऑफर करता है, ये प्रोग्राम भी काफी हद तक सिमिलर है कोर्स वर्क के बेसिस पर। ये प्रोग्राम रिसर्च और टीचिंग में कंप्यूटेशनल मेथड और थियोरीज को ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस से जोड़ता है। ये प्रोग्राम फोकस करता है डिजिटल मीडिया और डिजिटाइज्ड मटेरियल को स्टडी करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए बाय यूजिंग डिजिटल टूल्स, और कैसे इन सब का प्रभाव हमारे सोसाइटी एंड कल्चर में पड़ रहा है उस पर रिसर्च करने के लिए। ये प्रोग्राम ट्रेडिशनल सोशल साइंस और टेक्नोलॉजीज के बीच की दूरी को कम करता है। इस प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए बीए या फिर बीएससी में, आर्ट्स ह्यूमैनिटीज या फिर सोशल साइंस में, या फिर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस कॉमर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा, और मिनिमम मार्क्स 60% होना चाहिए अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और एसटीएससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस 2 फेज में होता है, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। रिटन टेस्ट आईआईटी धनबाद द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और रिटन टेस्ट में मिनिमम 30% मार्क्स आना चाहिए, और एसटीएससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 25% मार्क्स आना चाहिए। इसके बाद ही नेक्स्ट फेज में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट फेज यानी कि इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टिंग का रिजल्ट वेबसाइट पर ही डाला जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स के मार्क्स पर डिपेंड करता है, 50% रिटन टेस्ट और 50% इंटरव्यू में। रिटन टेस्ट आईआईटी आईएसएम कैंपस में होता है। रिटन टेस्ट में एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जो 100 मार्क्स के होते हैं, और 1 घंटे का एग्जाम होता है। क्वेश्चंस 3 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, जैसे सेक्शन ए इंग्लिश एंड रीडिंग कंप्रिहेंशन, जिसके लिए 40% वेटेज होता है और 20 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन बी में रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसके लिए 50% वेटेज होता है और 25 क्वेश्चंस आते हैं। और सेक्शन सी में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके लिए 10% वेटेज रहता है और 10 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कैंडिडेट्स का कम्युनिकेशन स्किल्स, जनरल सोशल साइंस नॉलेज और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देखा जाता है। इस प्रोग्राम के बाद ग्रेजुएट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में रिसर्च और टीचिंग के अलावा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और इंटरनेट कंटेंट डिलीवरी में अपना करियर बना सकते हैं। एप्लीकेशन जनरली मार्च अप्रैल में शुरू हो जाता है। इस साल 2024-25 एकेडमिक सेशन के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 अप्रैल 2024 को है। बाकी जानकारी के लिए आप आईआईटी धनबाद के वेबसाइट जरूर विजिट करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें सुनने के लिए शुक्रिया।